Good morning, students. As you know, nowadays we are discussing about adaptations in different groups of animals, right? So students, today I'm here with very interesting animal, okay, that is fish. Students, today we will discuss about adaptation in fish. How is fish adapted for aquatic life? जो फिश है वो एक्वेटिक लाइफ के लिए किस तरीके से अडेप्टेड है, क्या उसके अंदर अडेप्टेशन फीचर्स है, सो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्वेटिक अडेप्टेशन. जैसे कि मैंने एक्वेटिक अडेप्टेशन के लिए आज एग्जांपल के तौर पे एनिमल को लिया है. कौन से एनिमल को लिया है? फिश को. ओके, तो फिश में जानते हैं हम एक्वेटिक लाइफ के अडेप्टेशन. सो स्टूडेंट्स, जो पहला टॉपिक है द बॉडी ऑफ फिश स्पिंडल शेप. स्टूडेंट्स, स्पिंडल शेप बॉडी होती है फिश की. स्पिंडल शेप मीन्स उसका जो मिडिल वाला पोर्शन है, मिडिल वाला भाग जो है वो ब्रॉड होता है, वाइड होता है, और किनारे के भाग कैसे होते हैं, किनारे का पोर्शन थिन होता है. ओके, इसे कहते हैं आपका स्पिंडल शेप, यानी कि जो साइड एंड जो होते हैं वो टैपर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? स्ट्रीम लाइंड बॉडी. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट स्ट्रीम लाइंड बॉडी. स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होता है? जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं तो उनकी बॉडी को क्या करना पड़ता है, जो वाटर के रेसिस्टेंट होते हैं, उनको जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, कभी फोर्स है वाटर का, ओके, कभी स्लो है, तो उनकी बॉडी वहाँ पे बैलेंस होकर रह पाए, इसके लिए ज़रूरी होता है जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी बॉडी स्ट्रीम लाइन होनी चाहिए, जिससे उन्हें ये सारे प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े. ओके, इससे वो अपने को प्रोटेक्ट करें. स्टूडेंट, सेकेंड पॉइंट इज द बॉडी इज प्रोवाइडेड विद वाटरप्रूफ कवरिंग ऑफ स्केल्स. यू नो दैट जो बॉडी है फिश की, उसके आउटर साइड क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल. स्केल से कवर होती है फिश की बॉडी, तो एक टाइप से वो स्केल इसको वाटरप्रूफ बॉडी प्रोवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट इज बॉडी इज स्लिमी बिकॉज ऑफ म्यूकस कोटिंग टू रिड्यूस वाटर टेंशन. स्टूडेंट्स, जो फिश की बॉडी कवर होती है बाहर से, स्केल के बाहर से क्या होता है? म्यूकस की कोटिंग होती है. म्यूकस के बारे में आपको पता है, स्लिमी सब्सटेंस होता है जो बॉडी सीक्रेट करती है. उससे क्या होता है, जो वाटर टेंशंस होते हैं उनको क्या करते हैं, वो रिड्यूस करती है बॉडी के लिए. ओके, रिड्यूस करेंगी वाटर टेंशंस को जो कोटिंग है. स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट है फिन्स आर प्रेजेंट फॉर मूविंग लाइक स्विमिंग. जो मूवमेंट में इनको हेल्प करेंगे. स्टूडेंट्स, आपको पता है जो फिश की बॉडी है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में. मूवमेंट लाइक कौन सा मूवमेंट है, कौन सा मोड है लोकोमोशन का? स्विमिंग, राइट. और इनकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो जो फिन्स है और जो इनका टेल है वो इनको स्विम करने में या इनकी डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करते हैं. सो ऑल अबाउट मूवमेंट में हेल्प करते हैं, राइट. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ फिश फॉर एक्वेटिक लाइफ, अडेप्टेशन फॉर एक्वेटिक लाइफ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फिश.